आपको दिखाते हैं BS फाइन आर्ट स्टूडेंट्स के कुछ ड्रेसेस जो उन्होंने खुद तैयार किए हैं और खुद इस पे डिस्प्ले भी किया हुआ है। तो आइए इस बारे में उनसे पूछते हैं। आइए बात करते हैं फैशन डिज़ाइन की मैडम सुंबल से। मैम, आप ये बताएं कि इस वर्क की टाइम लिमिटेशंस क्या थी? इसके टाइम जितनी वो हमारे 2 वीक्स होते हैं, मतलब 2 क्लासेस, लेकिन काम बहुत ज़्यादा होता है तो उसके लिए हम अरेंज करते हैं, 4 एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ती है उसके लिए। मैम, ये जो काम किया है तो इससे पहले ये मैनिकन्स पे आप लोगों ने शो किया था, डिस्प्ले किया था, अब इस बार स्टूडेंट्स पे जो है डिस्प्ले हुआ है, तो इसकी कोई रीज़न है? जी, पहले जो हमने किया था वो एक्सपेरिमेंटल ड्रेसेस थे और वो हमने मैनिकन पे किया था, उसकी मेजरमेंट्स ली थी। अभी हम जो करते हैं वो बेसिक्स 42 साइज पे करते हैं, लेकिन ये बॉल गाउन फिर इनके साइज पे बनता है, तो ये लोग खुद उसको प्रेजेंट करते हैं अपने अपने ड्रेसेस को और ख़ुद पहनते हैं। बाल गाउन जो हमारा है वो वेस्टर्न ड्रेस होता है और उसमें फिर हम वेरिएशन करते हैं। ये पार्टी वेयर ड्रेस है, स्पेशली क्रिश्चियन और वो लोग शादी पर भी पहनते हैं। ये जो वेरिएशन है, जिस तरह इसके स्लीव्स है डिफरेंट है, लेग ऑफ मटन किसी ने किए है, स्टाइल लाइन उसमें डिफरेंट है, तो ये इन लोगों की मर्ज़ी से पर होता है। स्केच हम बनाते हैं, रफ स्केच, उससे फिर हम डिज़ाइन निकालते हैं और बना देते हैं। इसे फैब्रिक भी ये होता है कि हम लिमिट सकते हैं ना कि ये फैब्रिक हो, पार्टी वेयर है तो नेट हो, ऑर्गेन्जा हो, रॉ सिल्क हो, कलर्स इनकी मर्ज़ी से होते हैं। पहले पैटर्न बनता है, फिर ये लोग खुद सारा A to Z करते हैं, स्टिचिंग सारा ये लोग खुद करते हैं, बाहर से नहीं करवाते।